दोस्तों, एक तरफ जहां रूस से S-400 की डिलीवरी स्टार्ट हो गई है और ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही है कि S-500 की डील भी भारत और रूस के बीच हो सकती है, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 तारीख को भारत आ रहे हैं। दोस्तों, S-500 भी एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसी साल रशिया ने इसे अपनी आर्मी में शामिल किया है। यह सिस्टम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट को भी इंटरसेप्ट और मार गिरा सकता है, जिस वजह से यह काफी खास है और इस डील पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होगी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका की। ये दोनों ही देश एक ऐसी मेगा डिफेंस डील कर रहे हैं जिससे चीन समेत पाकिस्तान की हालत खराब है, क्योंकि यह हथियार अमेरिका ने नाटो सदस्य देशों के अलावा किसी को भी नहीं दिया है। भारत ऐसा पहला नॉन नाटो देश होगा जिसके पास यह हथियार होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अमेरिका के साथ। इस डील के तहत अमेरिकी कंपनी जनरल एटोमिक्स के साथ 30 बेहद ही घातक MQ-9 रिपर ड्रोन की डील होगी। जैसा कि आप आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कल ही खबर निकल कर आई है। दरअसल इस साल सितंबर में जब मोदी अमेरिका गए थे तो उन्होंने इसको लेकर डिस्कशन वहां पर किया था। अब बहुत जल्द ही 2+2 डायलॉग होने वाला है इंडिया और अमेरिका के बीच, दिसंबर यानी कि अगले महीने में। दोस्तों, अब भारत की ये कूटनीतिक ताकत देखो कि दिसंबर में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और दिसंबर में ही अमेरिका के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन दोनों ही दिसंबर में भारत आ रहे हैं। इसकी जो दोबारा मीटिंग होगी वो वाशिंगटन में होगी, जिसमें भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद होंगे। दोस्तों, ये जो ड्रोन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये 27 घंटे तक फ्लाई कर सकता है और लगभग 50,000 फीट तक ये जा सकता है। इसको जनरल एटोमिक्स ही बना रही है। ये इंटेलिजेंस पर्पस के लिए, सर्विलेंस के लिए और भी कई कार्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये जानकर थोड़ा ताज्जुब होगा, खैर इसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो सिपरी की रिपोर्ट है उसमें ये आ रहा था कि दुनिया की जो टोटल ड्रोन सेल है उसमें जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है UAVs का, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का। यानी कि दुनिया में जो भी सेल हो रही है ड्रोन्स की, उसका 7% भारत खरीद लेता है। ये दोस्तों सिपरी की रिपोर्ट है। भारत ने अपना पहला ड्रोन 1998 में इजराइल से लिया था और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और 4 हेरोन ड्रोन इजराइल से ले रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इतने सारे ड्रोन क्यों खरीद रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत ने ये देखा है कि किस तरह से अर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध में ड्रोन ने एक अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, भारत के आर्मी चीफ MM नरवणे ने भी अपने बयान में ये कहा था कि आने वाले दिनों में इमेजिनेटिव और ऑफेंसिव यूज जो ड्रोन का हुआ है लीबिया, सीरिया और अर्मीनिया अजरबैजान में, उससे ड्रोन युद्ध की स्थिति में कितने घातक साबित हो सकते हैं यह पता चलता है। यही वजह है कि दोस्तों, भारत कंप्लीटली अपनी आर्मी को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। और यह दिवाली के मौके पर भी भारत के प्रधानमंत्री जब कश्मीर गए थे तो वहां उन्होंने ये बात कही थी कि हमें अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को और भी अधिक इन्हेंस करना होगा अपने डिफेंस, अपने वेपन पर, और अगले साल भारत इसी वजह से अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा सकता है। भले ही दोस्तों आज भारत इजराइल, फ्रांस, रशिया, अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है, लेकिन इसके साथ ही भारत इंडिजनाइजेशन पर भी काम कर रहा है और विश्व की जितनी भी बड़ी डिफेंस कंपनियां हैं जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, रफाल आदि, सब भारत में आना चाहती हैं। जहां भारत बड़ी मात्रा में हथियार खरीद रहा है, वहीं बड़े पैमाने पर हथियारों को बेच भी रहा है। भारत से आज 42 से भी ज्यादा देश हथियार खरीदते हैं, जिस वजह से भारत का इम्पोर्ट मार्केट काफी ज्यादा बड़ा है। 2014-15 में जहां 1940.64 करोड़ का हथियार भारत इम्पोर्ट करता था, वहीं 2018-19 में भारत ने 1,07,465.77 करोड़ रुपए का हथियार बेचे हैं और भारत का इम्पोर्ट मार्केट 333% तक बढ़ा है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जिसको समझना, इससे आपको इंडिया की स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। भारत एक तरफ एडवांस एयरक्राफ्ट ले रहा है राफेल जैसा, वहीं दूसरी तरफ खुद का तेजस, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 AMCA के निर्माण में लगा हुआ है। इसमें HAL तेजस तो भारतीय आर्मी में शामिल भी हो गया है। दूसरी तरफ भारत रूस से एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 ले रहा है। वहीं इजराइल के साथ मिलकर बराकेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जिसकी पहली यूनिट जैसलमेर में डिप्लॉय भी कर दी गई है। वहीं भारत खुद का BMD सिस्टम भी बना रहा है। और एक तरफ भारत इजराइल और अमेरिका से ड्रोन खरीद रहा है, वहीं खुद का UAVs वगैरह को भी बना रहा है। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब कि भारत दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहा है, क्योंकि भारत का चीन से तनाव चल रहा है, इस वजह से भारत विदेशी हथियारों को खरीद कर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। वहीं भविष्य में हमें हथियार ना खरीदना पड़े, इसलिए फ्यूचरिस्टिक और एडवांस हथियारों पर काम भी कर रहा है। इसमें केंद्र सरकार के विजन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि भारत सभी देशों से 2+2 डायलॉग कर रहा है। 2+2 डायलॉग का मतलब कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों मौजूद रहे। यानी कि 2+2 डायलॉग के जरिए भारत अमेरिका, UK, फ्रांस, रशिया, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भी देशों के साथ आपसी सहयोग, व्यापार के
अलावा रक्षा पर भी डीले करता है और इन देशों से हथियार और इन्फॉर्मेशन वगैरह का आदान प्रदान करता है और यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की है। मैंने पिछली वीडियोस पर आपसे 5000 लाइक का टारगेट रखा था जिसको आपने एक दिन में ही पूरा कर दिया था, उसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो पर पहली बार 7000 लाइक का टारगेट हम रखते हैं, आई होप आप इसको भी पूरा कर देंगे। वहीं दोस्तों साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।